हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स एंड गिव द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन में हमें कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और हमें उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में से ऐसे टर्म्स को ढूंढना है जिनमें वेरिएबल एक्स है और हमें एक्स वेरिएबल का कोएफिशिएंट भी बताना है। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये दो टर्म्स हैं। इस टर्म में y वेरिएबल यूज हुआ है, x वेरिएबल नहीं है। इस टर्म में x वेरिएबल यूज हुआ है तो हम इस टर्म को यहां पर लिखेंगे टर्म विद x y स्क्वायर x, और y स्क्वायर x का मतलब होता है y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x। तो यहां पर x वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या होगा, y स्क्वायर। तो यहां पर हम लिखेंगे y स्क्वायर, और y स्क्वायर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है 13y स्क्वायर माइनस 8yx। अब यहां पर भी दो टर्म्स हैं। इस टर्म में x वेरिएबल नहीं है, लेकिन इस टर्म में यानी कि माइनस 8yx में x वेरिएबल है, तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस 8yx। अब वेरिएबल x का कोएफिशिएंट क्या होगा, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो x के कोएफिशिएंट होंगे, और माइनस 8yx का मतलब है माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी कि माइनस 8 और y ये दोनों ही x के साथ मल्टीप्लाई में हैं, तो x के कोएफिशिएंट क्या होंगे, माइनस 8y। तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस 8y। यहां पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि अगर हमसे x वेरिएबल का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछा जाता तो हम यहां पर सिर्फ माइनस 8 लिखते, लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है वो x के कोएफिशिएंट है। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है x प्लस वाई प्लस 2। अब यहां पर ये तीन टर्म्स हैं, इसी टर्म में x है, बाकी दोनों टर्म्स में x नहीं है, तो हम इस टर्म को यानी कि x को यहां पर लिखेंगे। अब x का कोएफिशिएंट क्या है, x के साथ कुछ नहीं है, मतलब x के साथ 1 मल्टीप्लाई में है, तो x का कोएफिशिएंट होगा 1। फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 5 प्लस जेड प्लस जेड एक्स। अब यहां पर भी तीन टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में तो x नहीं है, इस टर्म में x है, तो हम इस टर्म को यानी कि जेड एक्स को यहां पर लिखेंगे। अब x का कोएफिशिएंट क्या है, z, क्योंकि z x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहां पर हम लिखेंगे z। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये तीन टर्म्स हैं, इस टर्म में एक्स नहीं है, लेकिन इन दोनों टर्म्स में एक्स है, तो हम इन दोनों टर्म्स को यहां पर लिखेंगे एक्स एंड एक्स वाई। यहां पर x अकेला है तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1, तो यहां पर हम लिखेंगे 1। यहां पर x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, y, तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा, y, तो यहां पर हम लिखेंगे y। सिक्स्थ पार्ट में हमें दिया गया है 12xy स्क्वायर प्लस 25। यहां पर ये दो टर्म्स हैं, इस टर्म में तो x नहीं है, लेकिन इस टर्म में x है, तो हम इस टर्म को यहां पर लिखेंगे यानी कि 12xy स्क्वायर। अब यहां पर x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 12 भी x के साथ मल्टीप्लाई में है और y स्क्वायर भी x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो x के कोएफिशिएंट क्या होंगे, 12y स्क्वायर, तो यहां पर हम लिखेंगे 12y स्क्वायर। सेवेंथ पार्ट में हमें दिया गया है 7x प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहां पर ये दो टर्म्स हैं और इन दोनों ही टर्म्स में x वेरिएबल है, तो यहां पर हम इन दोनों ही टर्म्स को लिखेंगे 7x एंड एक्स वाई स्क्वायर। अब यहां पर x का कोएफिशिएंट 7 होगा क्योंकि 7 x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहां पर हम लिखेंगे 7। यहां पर y स्क्वायर x का कोएफिशिएंट है क्योंकि y स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहां पर हम लिखेंगे y स्क्वायर।
आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।